हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए क्विक थिंक के चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के इस पहले का शीर्षक है असली बबीता कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन अय्यर भाई अपने घर में केमिकल इवेंट करते हैं और केमिकल इवेंट कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि यह किस पर ट्राई करूं। तो वो जेठालाल को कॉल करके घर पर बुला लेते हैं। तभी अचानक अय्यर भाई को कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ जाता है और वह घर से बाहर चले जाते हैं। तब जेठालाल आ जाता है और बबीता जी अय्यर को ढूंढते हुए लैब पर आ जाती है। तब जेठालाल और बबीता जी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी एक केमिकल गलती से जेठालाल के हाथों से बबीता के ऊपर गिर जाता है और पलक झपकते ही वहां पर चार चार बबीता दिखाई देती है और जेठालाल बहुत परेशान हो जाता है। तभी जेठालाल सोचता है कि इसमें असली बबीता कौन है। जेठालाल चारों से पूछता है कि तुम में से असली बबीता कौन है। तो चारों कहती है, मैं असली बबीता हूँ। फिर वो चारों को ध्यान से देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि असली बबीता कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से असली बबीता कौन है? अगर आपको पता चल गया तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। असली बबीता तीसरे नंबर वाली है, क्योंकि बबीता जी जब लैब पर आई थी तब हाथ में ब्रेसलेट पहनी हुई थी और इसमें भी पहनी हुई है और बाकी तीनों के हाथ में ब्रेसलेट नहीं है। तो इस प्रकार जेठालाल को पता चल जाता है कि असली बबीता कौन है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।